दुर्गापुर गांव में विलास नाम का एक दूध वाला रहता था। वो हर रोज साइकिल पर गांव-गांव जाकर दूध बेचता था। एक दिन पास वाले गांव में दूध बेचकर अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में जब वो जंगल से जा रहा था तब वो थक कर साइकिल को रोककर एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। उस पेड़ पर बैठा भूत ये सब कुछ देख रहा था। जब वो नींद से उठकर साइकिल पर चढ़ा तो वो भूत साइकिल के पीछे जा बैठा। इस बात से अनजान विलास साइकिल चला रहा था। विलास के साथ वो भूत भी उसके घर जा पहुंचा। उसके बाद वो छज्जे पर जा बैठा। विलास, बहुत भूख लगी है, नींद भी आ रही है, कुछ पकाकर खाकर सोना चाहिए। फिर खाना बनाया, एक जगह रखा और नहा कर आकर खाता हूँ। ला 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 ला, यूं गुनगुनाते हुए वहां से चला गया। तब भूत छज्जे से उतरा और सारा खाना खा गया। भूत, वाह क्या स्वाद है, इस जंगल में खाना बिल्कुल बेकार है, चाहे कुछ भी हो इस घर को नहीं छोड़ना चाहिए, कहकर फिर छज्जे पे जा बैठा। विलास जब नहाकर आया तो खाली बर्तन देखकर उलझन में पड़ गया। विलास, ये क्या सब खाली है, मैंने खाना पकाया था कि नहीं? अगर ना पकाता तो बर्तन यहाँ कैसे होते? नींद के कारण कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कल सुबह सोचेंगे, कहकर जाकर सो गया। अगले दिन स्वादिष्ट बिरयानी पका कर रखा और नहाने चला गया। भूत छज्जे से उतरा, बिरयानी खाकर फिर ऊपर जा बैठा। नहाकर आकर विलास ने जब खाली बर्तन देखा तो कल रात को तो मैं नींद के कारण कुछ समझ नहीं पाया, पर अब समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बिरयानी को जरूर कोई खा गया, पता लगाना होगा कि वो कौन है, यूं मन में सोचा। अगले दिन कई प्रकार के व्यंजन बनाकर, वाह सब्जी देखने में बहुत बढ़िया है, मुंह में पानी भर रहा है, नहाकर आकर खाता हूँ, कहकर वहां से गया। ऊपर से उस भोजन को देखकर भूत खुशी के मारे उछलने लगा। विलास खिड़की के पीछे से झांकने लगा। भूत छज्जे से उतरकर बड़े चाव से खाने लगा। ये देख विलास डर गया। विलास, अरे बाप रे, मेरे घर में भूत है, इसे सबक सिखाना होगा, इसे घर से भगाना होगा। अगले दिन गोबर के लड्डू, कीचड़ के बने जलेबी, मिर्ची मिलाया हुआ दही, ऐसे व्यंजन बनाकर वहां रखा और जोर से, आज रवि को खाने पर बुलाया है, जाकर उसे ले आता हूं, वो ये खाना खाकर बहुत खुश होगा, कहकर वहां से चला गया और खिड़की के पीछे छिपकर देखने लगा। नीचे भूत उतरकर खुशी से नाचने लगा। बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, ये किसे मिलता है भला, ये सिर्फ किस्मत है मेरी, वाह क्या किस्मत है मेरी, यूं गाते हुए लड्डू को मुंह में डाला, फिर उसे थूक कर नाक बंद किया और छी ये कितना बेकार है, फिर जेली भी खाया तो उसे भी थूक दिया, ये क्या इतना बेकार क्यों है, यूं कहते हुए छांच को पीने लगा। जीभ जलने लगा तो अरे बाप रे, जीभ जल रहा है, हाय रे, अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊंगा, कहते हुए घर से गायब हो गया। भूत के जाने से विलास बहुत खुश हुआ।